गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। अभी मैंने आलू को पहले बॉयल कर लिया है, आप चाहे तो काट के भी बॉयल कर सकते हैं। और इसको मैं कद्दूकस ले रही हूँ, आप चाहे तो छन्नी में भी छान ले, एकदम गुटलियाँ नहीं होनी चाहिए ऐसे ये वाला नाश्ता जब बनाएंगे। लेकिन मैंने जल्दबाजी में कद्दूकस कर लिया था, थोड़ा बहुत गुटलियाँ हो गई थी, ऐसे कुछ हुआ नहीं, ठीक ही बना था। मैंने ऐसे आलू में मिलाने के लिए कॉर्नफ्लोर लिया है एक कटोरी, आप चाहे तो चावल का आटा या अरारोट का पाउडर वो भी मिला सकते हैं। मेरे पास ऐसे था कॉर्नफ्लोर, इसलिए मैं वही मिला रही हूँ। जितना आलू चाहिए था उतना मैंने कद्दूकस कर लिया है और एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे और कॉर्नफ्लोर को धीरे धीरे हम मिलाएंगे और सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है कॉर्नफ्लोर, आपको जितना चाहिए उतना ले लें। हाथ में थोड़ा बहुत चिपकता है, आप चाहे तो एक दो चम्मच पानी मिला सकते हैं, वरना ना मिलाएं। ये रहा सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। थोड़ा समय अब मैं रिफाइन तेल लगा दे रही हूँ, जल्दी से छोटे छोटे लोइयाँ बना लेंगे। थोड़ा सा तेल लगा लिया है मैंने और ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। आप चाहे तो हाथों से तोड़कर भी लोइयाँ ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे किया है लंबाई शेप में। अब हम इसको कट कर लेते हैं और छोटे छोटे लोइयाँ बना लेंगे। ये रहा सारा बना लिया है मैंने। अब हम इसमें मशरूम का शेप देंगे, ऐसे कोई सा भी बोतल ले लेना है। अगर चिपकता है तो थोड़ा सा तेल लगा लें, ये नहीं चिपक रहा है, मैंने तेल नहीं लगाया था। इतने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे। पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अच्छे से गर्म हो चुका है, एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। मीडियम आंच में कम से कम 5-10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे। ये रहा उबाल आ गया है और अपने आप सारा ऊपर आ गया है, कुछ चिपका नहीं है ऐसे, ये हो गया है। अभी हम बंद कर देंगे। अब मैं फ्रिज से ले रही हूँ एकदम ठंडा पानी और इसमें जो हमने बॉईल करके रखा है उसको निकालेंगे और ठंडे पानी में डालेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आइस क्यूब भी डाल दिए हैं, बोतल का पानी इतना ठंडा नहीं लग रहा था। पकड़ के देख रहे थे सही हुआ है कि नहीं करके, सख्त हो गया है। अब हम इसका तड़का लगाते हैं। आप चाहे तो तड़का लगाने के लिए घी, बटर, रिफाइन तेल कोई भी ले सकते हैं आपके पास जो हो। तड़का लगाने के लिए मैंने कम से कम एक चम्मच बटर लिया है और लहसुन मिला रही हूँ मैं, आप चाहे तो हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। लहसुन को मैंने एक दो मिनट के लिए फ्राई कर लिया था और लहसुन को जलने नहीं देना है वरना स्मेल अच्छा नहीं आएगा। एक दो मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें बॉयल किया हुआ मशरूम डाल देंगे और एक दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। कम से कम मैं यहाँ पर चुटकी भर जैसे नमक मिला रही हूँ, क्योंकि हम जब बना रहे थे आटा तब भी मिलाया था। और थोड़ा सा मैंने हरी धनिया पत्ता मिला दे रही हूँ और ये रहा मैगी मसाला। कुछ देर फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस मिला रही हूँ और टोमेटो सॉस, आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स, चाट मसाला ये सब मिला सकते हैं। मेरे पास नहीं था और बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैंने नहीं मिलाया। बच्चों के लिए मैं लंच पैक कर दे रही हूँ, तैयार हो गए हैं। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।